दोस्तों, ये महात्मा गांधी की बुक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का फोर्थ पार्ट है, जिसके तीन पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर के देख लीजिए। अब मैंने पिछली वीडियो तक आप लोगों को बताया कि महात्मा गांधी इंडिया से वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे, यानी कि एक साल की उम्मीद लेकर के वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका जाकर मुझे पता चला कि हमने जो जो यहाँ पर काम किए थे, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जाकर मुझे पता चला कि हमने जो जो यहाँ पर काम किए थे साउथ अफ्रीका में, उन सब पर पानी फिर गया। मेरी मुलाकात हुई मिस्टर चैम्बरलैंड नाम के एक आदमी से जो साउथ अफ्रीका आया था। इसके बाद मैं परवानगी लेकर ट्रांसवाल नाम की जगह पर चला गया, लेकिन किसी को भी वहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पर जो लोग काम करते थे, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अंदर कैसे आ गया। मैं उनके लिए एक बाहर का आदमी था। खैर, मैं गया अंदर, लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड इतना, वो लोग बोले कि आपकी ज़रूरत नहीं है और हम हैं यहाँ पर इंडियंस की रक्षा के लिए। इंडियन की रक्षा के लिए ट्रांसपाल नाम की जगह थी, तो हम लोग हैं यहाँ पे इंडियंस की रक्षा के लिए, इसलिए ये विभाग खोला गया है, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो इंडियंस को भी बोलते हैं कि आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है जो इस आदमी को बुलाया यहाँ पर। तो उन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे दुख हुआ, लेकिन अब तो आदत सी हो गई थी ये बेइज्जती सहन करने की, तो मजबूरी थी। मुझे यहाँ पर बेइज्जती का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा। और इस टाइम तक मेरे को विश्वास हो गया था कि साउथ अफ्रीका में मैं एक साल के लिए तो नहीं आया, मतलब यहाँ पर और बहुत सारा टाइम मुझे रहना होगा। तो यहाँ पर मैं जगह लेकर रहने लगा। अब इस टाइम पर जो मैं काम कर रहा था वो बहुत ही रिस्की था, तो मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया, कोई अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी थी, उसका एजेंट आया। वो बोला कि आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो बीमा करवा लो। उसने ऐसी ऐसी बातें की, मैं उसकी बातों में फंस गया। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उससे 10,000 रुपये का बीमा करवा लिया, लेकिन बीमा करवाने का मतलब ये था कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है। बाद में मुझे इस बात का पछतावा हुआ, उस चालाक मानव ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मैंने वो बीमा कैंसिल करवा दिया। इसके बाद मैं गीता के श्लोक पढ़ने लगा, उनको याद करने लगा। मैं ब्रश करता था तब भी मेरे सामने श्लोक लिखे रहते थे, एक दिन में 2 श्लोक याद करता था मैं। मैंने अपने बड़े भाई को पैसा भेजना बंद कर दिया, जो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रख रहा था इंडिया में। इसके बाद यहाँ रहते रहते मुझे फील हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, और भी कई बीमारियाँ रहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं 2 टाइम का खाना खाता था, 1 टाइम नाश्ता करता था, और बीच में चाय वगैरह हो जाती थी, जिसके चलते शायद खाना खाने की वजह से इतने खाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं बीमार रहने लगा हूँ। मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, मैं खुद का देसी इलाज करने लगा था। कैसे दोस्तों, ये देसी इलाज का महात्मा गांधी ने बहुत लोगों पर इस्तेमाल किया है कि वो मिट्टी का यूज़ करते थे, कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए वो मिट्टी का यूज़ करते थे। वो कैसे करते थे मैं आगे आपको बताऊंगा। उस मिट्टी का यूज़ करते करते उसका असर इतना हुआ, देसी इलाज करते करते उनका असर इतना हुआ कि मुझे कोई भी सीरियस बीमारी नहीं हुई। मैंने बस अपने खाने पीने पर कंट्रोल किया। अब इसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि एशिया वालों के लिए जो वहाँ पर विभाग खुला था, वहाँ पर इंडियंस और चाइनीज़ लोगों को रिश्वत खिलानी पड़ती थी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद महात्मा गांधी को 1898 की कोई घटना याद आती है, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ में कुछ बुरा बिहेव किया था, जिसको याद करने के बाद महात्मा गांधी बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी है वो, और वो तो मेरे लिए कुछ भी करना अपना धर्म समझती है, वो मुझे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, ऐसा वो मानती है, तो मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा। अब इसके बाद मुझे कोई टाइपिंग का काम करने वाला चाहिए था, लेकिन कोई गोरा मेरे अंडर काम करने को क्यों मानेगा। ऐसे में एक लेडी मिली महात्मा गांधी को, उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया, मेरे लिए काम करना शुरू किया। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, महात्मा गांधी बोलते हैं उसे बहन कहकर बोलते थे महात्मा गांधी। इसके बाद 1904 में हमने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला, जिसके एडिटर थे मनसुख लाल नाजर, और वो सिर्फ नाम के लिए एडिटर थे उस न्यूज़पेपर कंपनी के, बल्कि सारा काम तो असलियत में मुझे संभालना पड़ता था, सारा बोझ मेरे कंधे पर था। उस न्यूज़पेपर कंपनी के लिए मैंने बहुत पैसे दिए थे फ्यूचर में, बहुत पैसा पानी की तरह बहाया था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, साउथ अफ्रीका में
महात्मा गांधी के सारे दोस्त उनको गांधी या साहब कहकर नहीं बल्कि भाई कहकर बुलाते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं वहाँ पर भाई बन गया था। तो ये मुंबई के सारे भाई तो बाद में आए, पहले अपना भाई साउथ अफ्रीका में ही हो गया था, और ये भाई था अच्छे काम करने वाला भाई। अब इसके बाद बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बताते हैं महात्मा गांधी कि वहाँ पर एक लोकेशन थी जहाँ पर इंडियंस रहते थे, वो गोरों के लिए एक तरह से भंगियों की बस्ती थी। वहाँ पर महामारी फैली, तो वहाँ पर हमने क्या किया, उनकी हिम्मत बांधी और उन लोगों की सेवा की। अब उस टाइम पर जिस रात हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे, उस रात एक भी बंदे की जान नहीं गई, लेकिन उसके बाद में अगले दिन बहुत से लोग चल बसे। उस टाइम पर जब मैं उन लोगों की सेवा कर रहा था, तो उस वक्त मेरे अखबार कंपनी को कौन संभालता, ये एक समस्या थी। ऐसे में मैंने इंडियन ओपिनियन को संभालने के लिए किसी बेस्ट नाम के बंदे को बोल दिया, तो और उस वक्त हम लोग महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको हम खुली हवा में लेकर के गए, दूसरी जगह पर लेकर के गए। उनको पहले पहले तो अपनी जो जगह थी उसको छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन 3 हफ्तों तक खुली हवा में रहने की वजह से उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार हुआ। और उस लोकेशन को खाली करवा कर हमने क्या किया था, वहाँ पर आग लगवा दी, उस जगह की होली जलवा दी, सब कुछ जला दिया, कीमती से कीमती सामान को भी जला दिया, क्योंकि जान है तो जहान है, इससे क्या होगा, महामारी आगे नहीं फैलेगी। अब इसके बाद मेरे हाथ लगी एक बुक, रस्किन की वो बुक थी अनटू द लास्ट। जब मैं ट्रेन में था तब मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इस बुक का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने इसे गुजराती में सर्वोदय नाम से छापा। इस सर्वोदय में कुछ नियम थे जो मैंने माने और सबको बताए कि सबकी भलाई मतलब हमारी भलाई। दूसरा नियम ये था कि वकील और न्यायी दोनों के काम की एक ही कीमत होनी चाहिए, बराबर कीमत होनी चाहिए। तीसरा नियम ये था कि मेहनत और मजदूरी का जीवन सच्चा जीवन। ये चीज़ें मैंने सर्वोदय में मानी हैं। अब वापस जाकर मैंने अपनी न्यूज़पेपर कंपनी जो मैंने खोली थी, वहाँ पर वैक्स छगनलाल गांधी जो कि मेरा भतीजा था और मगनलाल गांधी, इनके साथ मिलकर हमने फिनिक्स में अपने अखबार इंडियन ओपिनियन, जो कंपनी थी मेरी, जो अखबार की कंपनी थी इंडियन ओपिनियन, उसको एक नई डायरेक्शन दी। फिनिक्स डरबन से थोड़ा ही दूर, मकसद ये था कि अपने सगे संबंधियों को भी इस काम में जुड़ने की सलाह दूं, लेकिन उनको मनाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो अब जब हमने फिनिक्स में अपने अखबार को सेटल किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर मेहनत की, मिलकर काम किया, रात भर हम लोग जागे। लेकिन पहली रात तो ऐसी रात थी जो बहुत ही मुश्किल थी, हम लोग भूल नहीं सकते उस रात को। हम लोग हार ही चुके थे, हम लोगों ने सोच लिया था कि अखबार टाइम पर नहीं निकल सकता, लेकिन तभी हमने वहाँ पर कारपेंटर्स की हेल्प ली, जिनकी मदद से सुबह तक मशीन चल पड़ी और सब चिल्ला दिए जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। वो जो बुक थी अनटू द लास्ट, जिसको मैंने सर्वोदय नाम से छापा था, उसका मेरे पे इतना प्रभाव पड़ा था कि उसकी वजह से मैं ये काम कर सका था, वो बुक दी थी मुझे पोलाक नाम के एक आदमी ने। तो वो बंदा भी आकर के हमारे साथ शामिल हो गया इस काम में। अब यहाँ पर रहते रहते मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जल्दी इंडिया वापस जा सकूँगा, तो सोचा कि क्यों ना बच्चों को वापस भुलवा लिया जाए। तो बच्चे और बीवी मेरी वापस आ गए। अब जो तीसरा बेटा था, रामदास नाम था महात्मा गांधी के तीसरे बेटे का, वो जहाज़ में आते आते उसका हार्ट टूट गया था, उसको फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, तो जहाज़ के कैप्टन ने उसका जैसे जैसे इलाज किया, फिर इसके बाद मैंने उसका इलाज अपने तरीके से किया, देसी तरीके से, मैंने आपको बताया था वही मिट्टी वाला इलाज। इसके बाद फिनिक्स में जहाँ पर महात्मा गांधी रहते थे, वहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे थे, लोग अपना परिवार बसा रहे थे वहाँ पर, 7 से 8 परिवार हो गए थे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा बेटा था हरिलाल, उसको छोड़कर उनके सारे बेटे उनके पास रहने के लिए आ गए थे, वो हरिलाल अभी भी इंडिया में था। इस बीच नेटाल में जुलू की लड़ाई हुई, तो वहाँ जाकर हमने जुलू लोगों की भी सेवा की और गोरों की भी सेवा की, उनको दवाइयाँ वगैरह ला करके दी। इसके बाद मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों से बात करके 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, जिसकी तैयारी मैंने सन 1900 से कर रखी थी, और वो समय आ गया था जब 1906 में मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। अब यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यहीं पर मुझे मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह नाम से परिचित करवाया, मतलब कोई सत्याग्रह नाम की चीज़ बताई। तो साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का जन्म हुआ था, वहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किए थे सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने।
अब ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद महात्मा गांधी ने खाने पीने पर बहुत सारा कंट्रोल किया। मुश्किल होता है, महात्मा गांधी के अनुसार मुश्किल होता है जनन इंद्री और स्वाद इंद्री पर काबू पाना। इसके बाद गांधी जी बताते हैं कि उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर वही बोला कि मांस खाना पड़ेगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। ये चीज़ देखकर मुझे खुशी हुई। चाहे उन्होंने कस्तूरबा बाई ने कहा था कि चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मांस नहीं खाऊंगी। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को वहां से घर ले जाने लगा तो डॉक्टर मुझ पर चिल्लाया कि कैसे निर्दयी पति हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, जान चली जाए चलेगा लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो इसके बाद कस्तूरबा की हालत में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन उसने मांस नहीं खाया। 1908 में मैं पहली बार जेल गया। महात्मा गांधी कहते हैं कि 1908 में मैं पहली बार जेल गया, जहां पर जेल में खाने पीने का सिस्टम कुछ अलग था। इसके बाद 10 सालों तक मैंने नमक नहीं खाया, नमक को छोड़ दिया और अपनी पत्नी से भी छुड़वा दिया। मैंने कस्तूरबा से नमक और दाल दोनों चीज़ें छुड़वा दी, लेकिन वो पहले पहले तो नहीं मानी। उसने कहा कि आप भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, नमक और दाल को नहीं छोड़ सकते, तो उसने मुझे चैलेंज किया। इसके बाद मैंने कहा कि मैं 1 साल तक नमक और दाल नहीं खाऊंगा। इसके बाद ये घर में मेरा पहला सत्याग्रह था। मैंने 1 साल नहीं 10 साल तक नमक और दाल खाना छोड़ दिया। 1914 में मैंने जा करके नमक और दाल खाई थी। इससे पहले मैंने आपको बताया नहीं कि महात्मा गांधी ने दूध छोड़ दिया था, अब नमक और दाल छोड़ दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने एकादशी का उपवास रखा और वो कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि दूध और फल खाकर मैंने एकादशी का व्रत कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो लोग व्रत नहीं करते, वो लोग डाइटिंग करते हैं मेरे हिसाब से। वहाँ पर एक टॉल्स्टॉय आश्रम था, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए महात्मा गांधी टीचर भी बन गए। वहाँ पर महात्मा गांधी अपने स्टूडेंट्स को उर्दू, तमिल, हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाओं का अक्षर ज्ञान भी देते थे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी सिखाते थे वो सब पहले खुद पर अप्लाई करके देखते थे। मजबूर होकर उन्होंने सिर्फ एक स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी में मारा था, पीटा था, क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा था, लेकिन उसके बाद कभी किसी को नहीं मारा। कई लोग उनसे पूछते थे कि आप बिगड़े हुए लड़कों और सुधरे हुए लड़कों को एक साथ क्यों रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं सुधरे हुए लड़कों को कोई तिजोरी में तो बंद करके रखूँगा नहीं कि बाहर निकालूंगा वो बिगड़ जाएंगे, तो साथ में ही पढ़ाऊँगा, एक साथ ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद 1914 आ गया। अब मुझे इंग्लैंड होते हुए इंडिया वापस जाना था, क्योंकि गोखले की यही इच्छा थी, गोपाल कृष्ण गोखले की। यहाँ पर काम ख़त्म हो गया था मेरा, अब मुझे इंडिया वापस जाना था। अब जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो उस वक्त मुझे न्यूज़ मिली कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने वाला है, कुछ ही टाइम में शुरू होने वाला है, और हमारे पहुँचते पहुँचते अगस्त के अंदर वो शुरू भी हो गया। अभी महात्मा गांधी भारत नहीं पहुँचे हैं, अभी वो इंग्लैंड पहुँचे हैं। अब भारत तो अब जाएंगे। इस वक्त महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में रहकर लड़ाई में हिस्सा लिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर हिस्सा लिया, क्योंकि वो इस टाइम पर अंग्रेज़ों की बुरी हालत को देखकर उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि वो उनके सामने अपनी मांगे नहीं रखना चाहते थे, फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि उनकी मदद करना चाहते थे। तो इस वक्त जब मैं मदद कर रहा था अंग्रेज़ों की, तो मुझसे ये सवाल पूछे गए, मेरे दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि आप तो बड़ी अहिंसा अहिंसा करते थे, अब आप अंग्रेज़ों का साथ देकर क्यों उनके साथ लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये क्या आपके अहिंसा के नियमों के खिलाफ नहीं है? तो वो कहते थे कि रोकिए इस लड़ाई को, अगर आप अहिंसा के पुजारी हैं तो रोकिए इस लड़ाई को। खैर, इसके बाद एक छोटा सा सत्याग्रह हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी की गोखले से मुलाकात हुई इंग्लैंड में। उस वक्त गांधी जी की पसली में दर्द था, तो उस वक्त गोखले ने महात्मा गांधी को कहा था कि डॉक्टर तुमको जो भी करने को बोल रहा है वो कर लो। तो मैं उनकी कही हुई बात का अनादर नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, उसके अलावा जो कुछ भी बोले मैं कर लूँगा, मैं मांस की बजाय फल खा लूँगा। अब इस वक्त लंदन में ठंड बढ़ गई थी, तो गोखले मुझसे पहले इंडिया आ गए, क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी, उनकी जो तबीयत थी वो बहुत नाजुक थी। तो उस वक्त मेरी पसली में दर्द था, तो मैं उनकी बाद में गया। अब जब पसली का दर्द जैसे तैसे ठीक हुआ, उसके बाद में हिंदुस्तान के लिए हमारी रवानगी हुई। तो उस वक्त मैंने कहा कि मेरे लिए प्लेन की थर्ड क्लास की टिकट निकलवाना, तो उन्होंने कहा कि ये प्लेन के अंदर थर्ड क्लास नहीं होता, फिर हमारे लिए सेकेंड क्लास की टिकट निकलवाई गई। अब बम्बई पहुँच कर मैंने देखा कि जिस देश में मैं 1905 में आना चाहता था, आज 10 साल बाद मैं वापस आ रहा हूँ।
गोखले ने मेरे वापस आने पर एक सम्मेलन रखा था। उनकी तबीयत कुछ नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो मेरे से मिलने आए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद जब पांचवा पार्ट शुरू होगा तो वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि गांधी जी ने जो इंडिया में यहाँ पर काम किए थे वो सब पांचवे पार्ट के अंदर है। तो क्या क्या किया था ये सब आपको पांचवे पार्ट में पता चलेगा, तो वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।